हाय एवरीवन, सो वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ इंडियन पॉलिटी GS2। ठीक है, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने गवर्नर ऑफिस प्रॉपर ख़त्म करा था अंडर लेक्चर 61। वी ऑल्सो डिस्कस अबाउट द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल आर्टिकल 171 एंड द ऑफिस ऑफ गवर्नर प्रॉपरली एंड हाउ द ऑफिस ऑफ गवर्नर प्रेसिडेंट के ऑफिस से डिफरेंट रहता है। ठीक है, वी ऑल्सो डिस्कस सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स 169, 166, 163, 371 प्रोविजन्स स्पेसिफिक टू नागालैंड, राइट, महाराष्ट्र, गुजरात, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। ठीक है, सो इन टुडेज लेक्चर व्हाट विल बी पिकिंग इज कि आर क्रूशल टॉपिक फॉर द डे इज कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हम डिस्कस करेंगे प्रॉपरली। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आपके जो स्टेट्स में अलग अलग टाइप के मतलब इलेक्शन होते हैं और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सेलेक्ट होते हैं अलॉन्ग विद द CM, उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो फर्स्टली वील डिस्कस इन डेप्थ अबाउट द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, मेम्बर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, देन हाउ 104th अमेंडमेंट एक्ट चेंज्ड फ्यू प्रोविजंस। ठीक है, एंड हाउ बिल्स आर पास्ड इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे। देन वील ऑल्सो डिस्कस अबाउट द फ्यू डिफरेंसेज बिटवीन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, देन द नेक्स्ट टॉपिक फॉर द डे वुड बी द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल डेफिकेशन। ठीक है, कि डेफिनेशन क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है। अगर मैं मोटा मोटा बताऊं तो पॉलिटिकल डेफिकेशन इज लाइक व्हेन यू गेट सिलेक्टेड फ्रॉम पार्टी ए। ठीक है, आप टू केटर योर पर्सनल इंटरेस्ट, आप उस पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ के आप किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में जंप कर जाते हो। ठीक है, सो दिस टू एन एक्सटेंट मींस कि यू आर यू नो बिट्रेइंग द वोटर्स हु हैव वोटेड यू बिकॉज यू वर पार्ट ऑफ सम अदर पॉलिटिकल पार्टी और यू वर पार्ट और यू वर एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, बट आफ्टर विनिंग और आफ्टर कमिंग इन टू पावर यू मूव फ्रॉम डिफरेंट यू मूव टू अ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल डेफिकेशन हम पढ़ेंगे, कंडीशंस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, देन देवर फ्यू सुप्रीम कोर्ट्स की रूलिंग दैट विल ऑल्सो डिस्कस, एंड हाउ देवर फ्यू एग्जेम्पशंस ऑल्सो टू एंटी डिफेक्शन लॉ, उसके बारे में प्रॉपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो लेट अस बिगिन। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, आपका जो लेजिस्लेटिव असेंबली एज अ कॉन्सेप्ट है दैट इज नोन एज योर पॉपुलर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, एंड as of now in India it is like the minimum number should be 60 and the maximum number of MLAs जो हो सकते हैं that is 500। ठीक है, so as of now the member of legislative assemblies cannot exceed more than 500। ठीक है, as per the constitution। ठीक है, in case there are certain small states, for example Sikkim के term में president can allow। ठीक है, कि भाई state assembly with less than 60 असेंबली मेंबर्स, जैसे 60 है, भाई वहाँ का टोटल पॉपुलेशन इतना कम है तो वहाँ पे भी मिनिमम की जो लिमिट है वो 60 से घट के 40 रख सकते हैं, बट दैट डिपेंड्स ऑन द प्रेसिडेंट। ठीक है, लिखते जाओ इसको। इन केस ऑफ लो स्टेट पॉपुलेशन, फॉर एग्जांपल सिक्किम, प्रेसिडेंट कैन अलाउ स्टेट असेंबली विथ लेस देन 60 असेंबली मेंबर्स, फुल स्टॉप। ठीक है, एट द सेम टाइम जो स्टेट के MLAs हैं ये सारे इलेक्ट होते हैं, आपके असेंबली के इलेक्शंस होते हैं, जैसे इस साल 2023 में आपके हरियाणा के अंदर है, अभी छत्तीसगढ़ में होंगे। ठीक है, तो 5 साल का टेन्योर इनका भी रहता है स्टेट इलेक्शंस का, तो ऑल द स्टेट MLAs आर इलेक्टेड। ठीक है, पहले ये प्रोविजंस था कि 2 आपके एंग्लो इंडियंस नॉमिनेट होते थे, बट दैट गॉट रिमूव थ्रू 104th अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो आज के टाइम पे आपके जितने भी MLAs हैं वो सारे इलेक्ट होके ही स्टेट लेजिस्लेटर का पार्ट बनते हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर मैं आपको बिल के स्पेसिफिक बात करूँ तो ऑब्वियसली वी ऑल नो कि देर आर 3 टाइप्स ऑफ बिल, ऑर्डिनरी बिल, फाइनेंस बिल और मनी बिल। तो ऑर्डिनरी बिल आपका किसी भी हाउस में आ जाता है, मतलब आप अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल के पार्ट हैं या लेजिस्लेटिव असेंबली के पार्ट हैं तो यू कैन प्रपोज दैट बिल इन ईदर हाउस। ठीक है, बट फाइनेंस बिल और मनी बिल जो रहता है वो आप सिर्फ और सिर्फ लोअर हाउस दैट इज़ योर लेजिस्लेटिव असेंबली में ही पब्लिश कर सकते हो, और वहाँ से ही आपका पूरा स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू गवर्नर के पास जाता है एंड देन इट बिकेम एन एक्ट। ठीक है, जिन स्टेट्स के अंदर बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, बाइकैमरल का मतलब ये है कि जिसके पास लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, वहाँ पे फॉर्मेलिटी के तौर पे मनी बिल और फाइनेंस बिल आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाता है, बट उनका ओपिनियन, उनका रिजेक्शन, उनके मॉडिफिकेशन का सजेशंस डज नॉट मैटर और डज नॉट होल्ड एनीथिंग फॉर द लेजिस्लेटिव असेंबली। इफ दे विश दे कैन मेक द चेंजेस, इफ नॉट देन दे कैन सिंपली मूव द बिल टू द गवर्नर फॉर द असेंट। ठीक है, तो आज के टाइम पे ऑर्डिनरी बिल जो है वो आपका कहीं किसी इधर हाउस में आ सकता है। ठीक है, एंड इट कैन ऑल्सो भी मतलब
जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसका एमएलए भी रख सकता है ऑर्डिनरी बिल, और नॉन रूलिंग पार्टी का भी रख सकता है, जिसको प्राइवेट बिल भी कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखो, ऑर्डिनरी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस फर्स्ट इन ईदर हाउसेज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव। नेक्स्ट राइट, इफ काउंसिल स्लैश स्टेट काउंसिल ब्रिंग्स द बिल, पासेस इट एंड प्रमोट इट टू द असेंबली, एंड इफ द असेंबली रिजेक्ट्स दैट बिल देन द बिल इज डेड। ठीक है, तो प्राइवेट बिल के तौर पे अगर कोई भी लेजिस्लेटिव काउंसिल में कोई बिल इंट्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, और वो वहाँ से पास होके असेंबली में आ भी रहा है, ठीक है, तो इट प्योरली डिपेंड्स ऑन द असेंबली कि भाई उसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, एंड इफ़ द लेजिस्लेटिव असेंबली रिजेक्ट्स दैट बिल तो वो बिल ही पूरा डेड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट राइट, मनी बिल एंड फाइनेंस बिल कैन ओनली बी फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन असेंबली ओनली। ठीक है, नेक्स्ट राइट, इफ ऑर्डिनरी बिल विच इज बॉट बाय द काउंसिल, या फिर इफ ऑर्डिनरी बिल विच इज ऑफर्ड बाय द काउंसिल इज पास बाय द असेंबली देन इट इज सेंड टू द गवर्नर फॉर द असेंट। ठीक है, तो फंडा वही है कि अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल से अगर कोई ऑर्डिनरी बिल निकलता है और उसको लेजिस्लेटिव असेंबली भी पास कर देती है, तो फिर वो वापस मतलब इवेंचुअली गवर्नर के पास जाएगा फॉर द फाइनल असेंट, एंड देन अकॉर्डिंगली दैट एक्ट विल बिकम द लॉ, गिवन द फैक्ट कि वो जो सब्जेक्ट जिस जो मैटर है या जो लॉ बन रहा है वो स्टेट लिस्ट का पार्ट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट राइट, मनी बिल एट द स्टेट लेवल इज पास एट द सेम मैनर एज इट इज पास इन पार्लियामेंट। ठीक है, मनी बिल में हमें पता है कि भाई आपका लोकसभा में आता है, स्पेशल मेजोरिटी से निकलेगा, फिर राज्यसभा के पास जाएगा। राज्यसभा के पास ऑप्शन है, बट इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन द मतलब लोकसभा की भी उसको एक्सेप्ट करना है रिजेक्ट करना है। अगर 14 दिन 1 महीने में कुछ भी सजेशन वापस नहीं आते हैं तो देन द सेम बिल गेट्स मूव टू प्रेसिडेंट। ठीक है, सेम प्रिंसिपल पे स्टेट के लिए भी होता है, स्टेट का जो फाइनेंस बिल है या स्टेट का जो मनी बिल है वो भी असेंबली में प्रपोज होता है, एंड देन काउंसिल अगर है तो ठीक है, नहीं है तो देन इट गेट्स मूव टू गवर्नर, और गवर्नर अगर उसको असेंट देता है तो देन दैट एक्ट और लॉ और बिल गेट्स पास। ठीक है, नेक्स्ट राइट, फॉर ऑर्डिनरी बिल एंड फाइनेंशियल बिल विच आर फर्स्ट पास एट द असेंबली गेट्स मूव टू द काउंसिल एंड इवेंचुअली काउंसिल कैन डू और कैन टेक 3 एक्शंस, दोज आर पास द बिल। ठीक है, पहला ये है कि भाई वो पास कर सकता है जो काउंसिल है, सेकेंड इज नॉट पास द बिल बट रिजेक्ट द बिल। ठीक है, और तीसरा आपका रहता है होल्ड और नो एक्शन टेकन फॉर 3 मंथ्स। तो अगर असेंबली से कोई बिल निकल के काउंसिल के पास जा रहा है तो काउंसिल उस पर एक्सेप्ट कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है और ऑन होल्ड रख सकता है। ठीक है, अब फंडा क्या है कि रिजेक्ट और होल्ड के केस में क्या रहता है। ठीक है, सो इन दिस इफ दिस एक्शन इज टेकन, ठीक है, भाई रिजेक्ट कर दिया होल्ड कर दिया, तो वो जो बिल है वो वापस असेंबली के पास आता है। ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली असेंबली कैन टेक द रिक्वायर्ड डिसीजन और एक्शंस। ठीक है, अगर असेंबली ने सेम बिल दोबारा पास करके वापस काउंसिल को दिया है तो नाउ इट इज मतलब इट विल बी मूव टू द काउंसिल वेयर दे हैव टू गिव द एसेंट टू द बिल विद इन 1 मंथ। ठीक है, तो बिल काउंसिल के पास गया, काउंसिल ने उसको रिजेक्ट कर दिया या कोई एक्शन लिया 3 महीने तक, तो वो बिल वापस आ जाएगा असेंबली के पास। असेंबली चाहे तो मॉडिफिकेशन करके वापस दे सकता है, बट अगर बिना मॉडिफिकेशन के सेम बिल दोबारा ऑफर होता है काउंसिल को, तो इस अब की बार 1 महीने के अंदर काउंसिल को उस बिल पे अप्रूवल देना ही पड़ेगा सो दैट इट कैन बी मूव टू द गवर्नर। ठीक है, और पास पास के केस में तो बहुत ही सिंपल है, अगर पास कर दिया काउंसिल ने तो दैट इट विल इवेंचुअली मूव टू द गवर्नर फॉर द असेंट। राइट, इसके अलावा प्लीज राइट, इन केस ऑफ एनी मॉडिफिकेशन और सजेशन गिवन बाय द लेजिस्लेटिव काउंसिल द बिल मे कम टू द असेंबली विद सजेशन एंड इफ द असेंबली एक्सेप्ट द सजेशन एंड पास द बिल इन द अमेंडेड फॉर्म देन द बिल इज कंसिडर्ड टू बी टू देन द बिल इज कंसिडर्ड एज पास्ड बाय बोथ द हाउसेस। ठीक है, तो फंडा क्या रहता है कि अगर असेंबली ने उसको पास करके काउंसिल को दिया और काउंसिल ने कोई बिल में मॉडिफिकेशन सजेस्ट करके वापस असेंबली को भेजा, एंड इफ द असेंबली अमेंड्स दोज चेंजेस विच इज सजेस्टेड बाय द काउंसिल, तो जब
असेंबली उसको वापस सबमिट करेगी तो इट इज़ बाय डिफॉल्ट कंसिडर्ड एज पास्ड बाय बोथ द हाउसेस, ठीक है, और वो डायरेक्टली गवर्नर के पास चला जाता है। मतलब पॉइंट वही है कि काउंसिल और असेंबली है, तो काउंसिल ने अगर कोई चेंजेस भेजे, असेंबली ने उसको अमेंडमेंट चेंजेस को ऐड करके अगर दोबारा भेजा, तो इट इज़ बाय डिफॉल्ट कंसिडर्ड कि भाई काउंसिल और असेंबली दोनों से अप्रूव हो चुका है एंड इट कैन इवेंचुअली मूव टू द गवर्नर, ठीक है। बट एट द सेम टाइम अगर चेंजेस आर रिजेक्टेड बाय द असेंबली, मतलब जो भी चेंजेस काउंसिल ने सजेस्ट करें अगर वो चेंजेस असेंबली रिजेक्ट करता है, भाई कंसिडर ही नहीं करता, ठीक है, तो असेंबली चाहे तो उस सजेशंस को रिजेक्ट करके सेम फॉर्मेट या सेम जो बिल था जो ओरिजिनल फॉर्मेट में वो दोबारा सबमिट कर सकता है, ठीक है, काउंसिल को। और इस बार ही काउंसिल ना काउंसिल के ऊपर 1 महीने का ही टाइम है कि भाई वो अप्रूव करना ही करना है सो दैट द सेम कैन बी मूव टू गवर्नर, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली लेजिस्लेटिव असेंबली विद रिस्पेक्ट टू पॉलिटी के कुछ टर्म्स हैं, ठीक है। नो एक्शन फॉर 3 मंथ्स, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर लेजिस्लेटिव असेंबली। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट वॉज योर पॉलिटिकल डिफिकेशन, सॉरी नॉट डिफिकेशन, पॉलिटिकल डिफेक्शन, ठीक है। अब इसकी कहानी शुरू होती है 1967 से। अब 1967 का फंडा क्या है कि भाई एंटी डिफेक्शन लॉ वॉज इंट्रोड्यूस एंड इट वॉज मैंशन इन द 10th schedule, ठीक है, विच वॉज मतलब 10th schedule में इसको ऐड करा गया थ्रू द 52nd Amendment Act of 1985, ठीक है। सो इसमें है क्या, बेसिकली लिख लो, एंटी डिफेक्शन लॉ प्रोहिबिट्स पॉलिटिकल डिफेक्शन अमंग द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव बॉडी फॉर पर्सनल गेन्स बाय प्रोवाइडिंग फॉर द डिसक्वालिफिकेशन ऑफ लेजिस्लेटर अंडर मल्टीपल कंडीशंस, ठीक है। तो भाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं या स्टेट लेवल पे अगर MLAs या मतलब MLCs हैं, ठीक है, और पार्लियामेंट में अगर MP हैं लोकसभा राज्यसभा के, तो अगर आप इलेक्टेड मेंबर हो तो आप अपने पर्सनल गेन्स के लिए पॉलिटिकल पार्टी स्विच नहीं कर सकते, विच कैन इवेंचुअली कॉज द ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बिटवीन द वोटर्स, ठीक है, योर और अमंग द वोटर्स, ठीक है। तो अगर आप ऐसी कुछ एक्टिविटी करते हो तो देर आर सर्टेन प्रोविजन्स विच आर एडेड अंडर द 10th schedule थ्रू 52nd Amendment Act of 1985, जिसके अंदर आपको डिसक्वालीफाई भी किया जा सकता है, ठीक है। अब डिसक्वालिफिकेशन के लिए कंडीशंस क्या हैं, ठीक है, देर आर सर्टेन, अगर आप जैसे कोई भी MP, MLA, MLC हो, इंडिपेंडेंट लेजिस्लेचर, यू डोंट बिलोंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, तो उस केस में अगर आपने इलेक्शन जीतने के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करा, ठीक है, आफ्टर विनिंग यू ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी, देन द डिसक्वालिफिकेशन विल बी डन बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ओनली, ठीक है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर जिस हाउस का वो बंदा रहेगा, जैसे अगर अगर मैं लोकसभा की बात करूं या जैसे मैं पार्लियामेंट की बात करूं, तो अगर कोई MP है लोकसभा या MP है राज्यसभा फॉर से, तो अगर कोई भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है जो इंडिपेंडेंट जीत के आया है, वो लेट से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी एग्जाम्पल INC या BJP को ज्वाइन करता है, तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है पार्लियामेंट का, दैट इज़ योर चेयरमैन, वो उसको डिस्क्वालिफिकेशन कर सकता है अंडर दिस एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। सो ये तुम्हारा सबसे पहला कंडीशन था इंडिपेंडेंट लेजिस्लेचर्स के लिए, ठीक है। नाउ द सेकेंड कंडीशन इज नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द हाउस, दैट इज योर MP, राज्यसभा एंड MLCs, राइट। उसमें क्या है, ठीक है, उस कंडीशन में क्या है, इफ द पर्सन विद इन 6 मंथ्स तो विद इन 6 मंथ्स ही कैन ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी, बट इफ ही और शी ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर 6 मंथ्स द मोटिव कुड बी एंड द मोटिव इज टू हैव एनी पॉलिटिकल पार्टी और टू गेन एनी पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव, तो उस केस के अंदर आपका डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप जीतने के बाद अगर आपने 6 महीने के अंदर ही पार्टी ज्वाइन कर ली, कोई भी पार्टी में स्विच कर लिया, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट 6 महीने के बाद अगर आप कोई भी पार्टी छोड़ के किसी दूसरी पार्टी में जाते हो और उस एक्शन का मोटिव ये है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को स्ट्रॉन्ग करना है या वीक करना है, तो इस ग्राउंड पे आप डिस्क्वालिफाई किए जा सकते हो, ठीक है। नाउ द थर्ड इज ऑल द इलेक्टेड MP, MLAs, ठीक है, ये यहाँ पे नॉमिनेटेड की बात है, ठीक है। जैसे BJP ने किसी को नॉमिनेट करके बनाया MP राज्यसभा, ठीक है, अब अगर वो BJP से अगर उसने टिकट लेके जीत गया, वो मतलब जीत क्या गया, उसको नॉमिनेट करके उसको बनाया गया है, 6 महीने के अंदर उसने दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली,
इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन, बट 6 महीने से ज़्यादा, 6 महीने के बाद अगर आप कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करते हो और आपके एक्शन से ये रिजल्ट दिख रहा है कि भाई ये जो एक्शन है ये किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को वीक या स्ट्रॉन्ग करने के पर्सपेक्टिव से लिया जा रहा है, तो उस केस में नॉमिनेटेड मेंबर्स जो रहते हैं वो डिस्क्वालीफाई किए जा सकते हैं. ठीक है, तो हेयर नॉमिनेटेड मेंबर्स आर स्पेसिफिक टू योर MP, राज्यसभा एंड MLCs. ठीक है, MLC में भी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, वो फॉर्मूला होता है जिसके अंदर सर्टेन पीपल फ्रॉम डिफरेंट क्लास और मतलब जो रिनाउंड हैं उनको आप नॉमिनेट करके लेजिस्लेटिव असेंबली का पार्ट बना सकते, लेजिस्लेटिव काउंसिल का पार्ट बना सकते हो. ठीक है, तो कंडीशन फॉर डिस्क्वालिफिकेशन में पहला आपका इंडिपेंडेंट था, दूसरा आपके नॉमिनेटेड थे, तीसरा है इलेक्टेड, जो आपके जनरल इलेक्शंस या जो MLAs होते हैं इलेक्ट होके जाते हैं उनके लिए है. ठीक है, तो इसके अंदर क्या है लिख लो, इफ अ रूलिंग पार्टी मेंबर रिजाइंस वॉलंटरली फ्रॉम हिज पॉलिटिकल पार्टी और ज्वाइंस एनी अदर पॉलिटिकल पार्टी देन ही कैन बी डिस्क्वालिफाइड. वंस डिस्क्वालिफाइड, फुल स्टॉप लगा के लिखना, वंस डिस्क्वालिफाइड द लेजिस्लेचर कैन कंटेस्ट द इलेक्शंस व्हेन द बाई इलेक्शंस आर स्केड्यूल्ड ऑन न्यू पार्टी टिकट. ठीक है, तो भाई फंडा क्या है, इलेक्ट होके जैसे BJP MP है, इलेक्ट होके वो गए, ठीक है, अगर उसने वॉलंटरीली अपने पॉलिटिकल पार्टी जिससे उसको टिकट मिल के वो मेंबर बना है पार्लियामेंट का वो रिज़ाइन करता है, या फिर वो किसी और पॉलिटिकल पार्टी को इमीडिएटली ज्वाइन कर लेता है, तो उस बेसिस पे वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा. और फिर जैसे ऑब्वियसली अगर एक कोई MP है, ठीक है, अगर वो MP अपने पॉलिटिकल पार्टी से रिज़ाइन करता है, ठीक है, या वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है, तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा. डिस्क्वालीफाई करने के बाद जो सीट खाली हुई है उस पर बाई इलेक्शन होंगे, तो वो बंदा जो कि डिस्क्वालीफाई हुआ था वो किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से बाई इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकता है और दोबारा लड़ सकता है. मतलब रिजल्ट कुड भी एनीथिंग, वो दोबारा जीत जाए किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से या फिर वो हार जाए, दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो. बट येस, अगर कोई बंदा किसी पॉलिटिकल पार्टी मतलब MP बनता है फॉर एग्जाम्पल किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से, और अगर वो उस पॉलिटिकल पार्टी से रिज़ाइन करता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है. एट द सेम टाइम अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से MP बनता है और फिर वो उस पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ के किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है तो भी वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है. दोनों ही केसेस में बाई इलेक्शन जब होंगे देन द सेम पर्सन कैन कंटेस्ट द बाई इलेक्शन ऑन सम अदर पॉलिटिकल पार्टी टिकट, ठीक है, और फिर वो लड़ सकता है इलेक्शन. ठीक है, तो एक तो ये कंडीशन है इलेक्टेड पर्सन के लिए. ठीक है, एट द सेम टाइम एक और कंडीशन लिख लो, इफ एनी लेजिस्लेटिव वोट्स अगेंस्ट द विप ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी और इज एब्सटेन एट द टाइम ऑफ वोटिंग देन दैट पर्सन कैन गेट डिस्क्वालिफाइड अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ. ठीक है, तो फंडा क्या है कि भाई विप ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, यहाँ एक टर्म यूज हुई है, तो विप ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी क्या रहता है कि कई बार हमने न्यूज़ में देखा होगा कि भाई कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने सारे मेंबर्स को बोलती है कि प्लीज़ बी अवेलेबल, कि कोई इलेक्शन होने मतलब कोई वोटिंग होने वाली है या स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, फुल सपोर्ट चाहिए सारे पार्टी मेंबर्स का, तो दैट इज़ कॉल्ड द विप ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी. और उस केस में अगर कोई बंदा ये बोलता है कि नहीं भाई मैं तो अपने पॉलिटिकल पार्टी का नहीं अप्रूवल दूंगा या साथ नहीं दूंगा या उसके सपोर्ट में वोट नहीं दूंगा, सो इन दैट केस इफ दैट पर्सन इज गोइंग अगेंस्ट द विप ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी और इज एब्सटेन एट द टाइम ऑफ वोटिंग देन दैट पर्सन कैन बी डिस्क्वालिफाइड अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ. ठीक है, अब इस स्पेसिफिक केस के बेसिस पे देवर फ्यू सुप्रीम कोर्ट्स रूलिंग ऑल्सो स्पेसिफिक टू डिफेक्शन लॉज. ठीक है, तो अब देखो आइडियली क्या है कि अगर पॉलिटिकल पार्टी के कहने पे कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या MLA अपनी स्टैंड छोड़ के पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से चल रहा है तो दैट इज समवेयर इज नॉट डेमोक्रेटिक. ठीक है, और कहीं ना कहीं वो एक मतलब होता है ना कि कम्युनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू दर्शाता है. तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट की कुछ रूलिंग्स आई थी कि लेट्स फाइंड अ मिडिल वे जहाँ पे जो भी MPs हैं या जो MLA इलेक्ट होके गए हैं एक पॉलिटिकल पार्टी से और जो पॉलिटिकल पार्टी का स्टैंड है अगर उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है दोनों के बीच में तो व्हाट इज़ द मिडिल पाथ दैट वी कैन चूज, राइट. तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट की ये रूलिंग आई थी, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज द कास्टिंग वोट्स एज पर द पॉलिटिकल पार्टी चॉइस. ठीक है, तो इसमें लिख लो, इन दिस सुप्रीम कोर्ट फाउंड अ मिडिल वे एंड डायरेक्टेड दैट दोज वोट्स विच कैन कॉज गवर्नमेंट टू फॉल और विच कैन कॉज द कोलैप्स ऑफ द गवर्नमेंट इन दैट केस
द इलेक्टेड मेंबर्स नीड टू कास्ट द वोट अकॉर्डिंग टू द पॉलिटिकल पार्टी स्लैश विप लिख लेना इसमें, WHIP, ठीक है, कि भाई ऐसा कोई डिसीजन होने वाला है जहाँ पे पता है कि भाई अगर जो रूलिंग गवर्नमेंट है या रूलिंग गवर्नमेंट जिस पॉलिटिकल पार्टी की है अगर उसके सारे मेंबर्स ने यूनिटी नहीं दिखाई तो गवर्नमेंट कौन कोलैप्स। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई ठीक है, इस केस में इट इज़ वेरी मच मैंडेटरी फॉर द इलेक्टेड मेंबर्स टू ऑलवेज कास्ट वोट अकॉर्डिंग टू द पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसमें कुछ ऐसे होगा जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन हो गया, मनी बिल हो गया, क्योंकि इन केस में क्या है अगर मनी बिल रिजेक्ट होता है लोकसभा में तो गवर्नमेंट कोलैप्स कर गई, ठीक है। नॉन कॉन्फिडेंस मोशन है उस केस में भी अगर आपने मेजोरिटी प्रूफ नहीं करी तो आपकी गवर्नमेंट कोलैप्स हो सकती है, ठीक है। वोट ऑफ थैंक्स हो गया, मनी बिल हो गया, राइट। सो ऑल दीज थिंग्स शुड बी इन सिंक विद द पॉलिटिकल पार्टी हु इज मतलब जिसकी रूलिंग गवर्नमेंट है, ठीक है। एट द सेम टाइम सुप्रीम कोर्ट ने बोला फॉर अदर टाइप्स ऑफ वोट्स, इस कंडीशन के अलावा बाकी के जो टाइप के वोट्स हैं उस कंडीशन में यू कैन वोट अगेंस्ट योर पॉलिटिकल पार्टी एंड इन दैट केस यू वोंट बी डिस्क्वालिफाइड अंडर डिफेक्शन लॉ, ठीक है। तो मैंडेटरी जो है जिसके अंदर गवर्नमेंट कोलैप्स होने के चांसेस ज़्यादा है उसमें आपको यू हैव टू वर्क एज पर द पॉलिटिकल पार्टी, बट उसके अलावा कोई भी ऐसा स्टैंड है जो आपको लेना है विच इज़ अगेंस्ट योर पॉलिटिकल पार्टी यू कैन टेक एंड अंडर दैट सिनेरियो यू वोंट बी डिस्क्वालिफाइड, ठीक है, अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। एट द सेम टाइम जुडिशियल रिव्यू के बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो हेल्ड, लिख लो, सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो हेल्ड दैट द डिसीजन ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ इज ऑलवेज अंडर जुडिशियल रिव्यू अंडर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल जो मैंने बताया कि नॉमिनेटेड मेंबर है कोई राज्यसभा का, उसने अपनी पॉलिटिकल पार्टी 6 महीने बाद छोड़ दी, तो अगर राज्यसभा का जो चेयरमैन है उसने उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया तो ये जो जजमेंट है राज्यसभा चेयरमैन का दैट कैन ऑलवेज बी क्वेश्चन बिकॉज जुडिशियल रिव्यू इज ऑल मतलब इनेबल्ड है इन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, अगेंस्ट द एक्शन ऑफ द दिस प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है उसके एक्शन को हमेशा आप जुडिशियल रिव्यू करा सकते हो, ठीक है। सो आई होप आई मेड दिस क्लियर, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू हो गया, विप हो गया, ठीक है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, देर आर सर्टेन एग्जेम्पशंस ऑल्सो, ठीक है, एग्जेम्पशंस टू एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ का सबसे बना जो हमने लेटली देखा था जब ये बहुत बड़ा बवाल हुआ था महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में, जहाँ पे पूरी की पूरी शिवसेना के मेजॉरिटी लोगों ने ब्रेक करके अपना जो सपोर्ट है वो BJP को दे दिया था, राइट, समथिंग लाइक दिस हैपन। तो उस केस में हम ये देख सकते हैं कि भाई एक्सेप्शंस भी हैं एंटी डिफेक्शन की, भाई आप इलेक्टेड मेंबर हो शिवसेना के, आपने सब कुछ छोड़ छाड़ के BJP में चले गए, राइट, उस केस में क्या रहता है, ठीक है। तो भाई फंडा क्या है कि अगर 2/3 मेंबर्स से ज़्यादा टोटल लेजिस्लेटर के 2/3 मेंबर्स फ्रॉम अ पार्टी ब्रेक्स अवे, ठीक है, एंड मर्ज विथ अनदर पॉलिटिकल पार्टी, देन दोज विल नॉट बी कंसिडर्ड एज डिस्क्वालिफाइड, ठीक है। मिनिमम 2/3 से ज़्यादा होने चाहिए एंड इफ दोज पीपल हु बिलोंग टू पॉलिटिकल पार्टी ए इवेंचुअली डिसाइड टू मूव अवे फ्रॉम दैट पॉलिटिकल पार्टी एंड ज्वाइन अनदर पॉलिटिकल पार्टी, तो इस उस केस में जितने भी मेंबर्स थे जो कि ब्रेक हो रहे थे उस पॉलिटिकल पार्टी ए से उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। दिस वॉज द नंबर वन एक्सेप्शन अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। वॉट वॉज नंबर सेकेंड वॉज जो स्पीकर्स होते हैं, स्पीकर्स ऑफ लोकसभा लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन, ठीक है, राज्यसभा के, वो भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स होते हैं, राइट। तो उस केस में वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं उस पॉलिटिकल पार्टी पे, तो उस कंडीशन में भी कुछ क्राइटेरियाज दी गए हैं विच आर स्पेसिफिक टू योर एंटी डिफेक्शन लॉ। तो उसमें लिख दो इफ द स्पीकर और द डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली और द चेयरमैन और द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल और द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा रिजाइन्स फ्रॉम हिज पॉलिटिकल पार्टी एंड इफ ही डज नॉट ज्वाइन एनी अदर पॉलिटिकल पार्टी और डज नॉट रीजॉइन द सेम पॉलिटिकल पार्टी फ्रॉम विच ही ओरिजिनली रिजाइन देन ही विल नॉट बी डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम द हाउस, ठीक है। तो इस केस में क्या है, जितने भी ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं हमारे हाउसेस के, लेजिस्लेटिव हाउस मतलब असेंबली कह लो या पार्लियामेंट कह लो, लेट्स से आज के टाइम पे मेजॉरिटी आर फ्रॉम BJP, तो अगर BJP का कोई पर्सन है जो कि लेट्स से लोकसभा का स्पीकर भी है, ठीक है, सो BJP का मेंबर है, तो उस BJP की टिकट पे वो बंदा लोकसभा का इलेक्शन जीता एंड देन ही बिकेम द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ठीक है। अब इफ दैट पर्सन
डिसाइड्स टू रिजाइन फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, बट ही इज़ नॉट ज्वाइनिंग एनी अदर पॉलिटिकल पार्टी, तो उस केस में डिस्क्वालिफिकेशन अप्लीकेबल नहीं रहेगा. एट द सेम टाइम उसने रिजाइन करा, ठीक है, फ्रॉम दैट पॉलिटिकल पार्टी एंड ही डिड नॉट विश टू रीजॉइन अगेन, ठीक है, तो उस केस के अंदर भी डिस्क्वालिफिकेशन विल नॉट बी अलाउड, ठीक है. सो ये दूसरा एग्जम्पशन था, ठीक है. द थर्ड एग्जम्पशन वॉज सजेस्टेड बाय द वेरी फेमस दिनेश गोस्वामी कमेटी. हमने लास्ट फ्यू लेक्चर्स में ये दिनेश गोस्वामी के बारे में पढ़ा था, तो जाके दोबारा देख लेना इफ़ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड डीपली वॉट द कमिटी सजेस्टेड, ठीक है. तो इसमें लिख लो, दिनेश गोस्वामी कमेटी रिकमेंडेड दैट द पावर टू डिस्क्वालिफाई अ लेजिस्लेचर अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ मस्ट बी टेकन अवे फ्रॉम द प्रिसाइडिंग ऑफिसर एंड शुड बी गिवन टू द प्रेसिडेंट और द गवर्नर एज द केस मे बी. फुल स्टॉप. दे आर एक्सपेक्टेड टू बी मोर पॉलिटिकली न्यूट्रल एंड दे मस्ट वर्क ऑन द एडवाइस ऑफ ECI वाइल टेकिंग सच डिसीजन, ठीक है. तो दिनेश गोस्वामी कमेटी ने बोला कि भाई प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो रहता है उससे हटके आपको प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के पास ही एक्शन दे देना चाहिए टू डिसाइड कि भाई जो एंटी डिफेक्शन लॉ में जिस बंदे ने गलती करी है, तो जो भी पर्सन हु नीड्स टू बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम, मतलब जिस पे एंटी डिफेक्शन लॉ इम्प्लीमेंट होना है उसका क्या फाइनल कन्विक्शन है, वो प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास एक्शन होना चाहिए एंड दीज टू शुड ऑलवेज कंसल्ट ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन, ठीक है. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, ठीक है. नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो डिस्कस करेंगे दैट विल बी न्यू टॉपिक एंड वी विल बी स्टार्टिंग योर होल कॉन्सेप्ट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिसके अंदर हम 73rd अमेंडमेंट एक्ट, 74 अमेंडमेंट एक्ट, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, आपके जितने भी कमिटीज थे, ठीक है, बलवंत राय कमेटी हो गया, ठीक है, अशोक मेहता कमेटी हो गया, GVK राव कमेटी हो गया, सो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, विच इज़ इवेंचुअली योर प्रॉपर जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, म्यूनिसिपैलिटीज़, ये सारा डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है. कीप वर्किंग हार्ड, कीप वॉचिंग. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय बाय, टेक केयर.